सो गाइस, ये जो गाड़ी है ये सुपर स्प्लेंडर बाइक है, और इस बाइक में जो है इस हजार्ड को जो है हम इंस्टॉल करेंगे, और ये जो स्विच है इसे इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे इंस्टॉल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। ओके, तो ये दो एयर है, देख सकते हो, ये प्लस है, रेड वाला जो एयर है ये प्लस है। ओके, और ये वाला जो है वो माइनस है, यानी नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव वाला वायर है इसे हम नेगेटिव पे लगा देते हैं, या बॉडी पे भी आप कहाँ से भी लगा सकते हो, ठीक है, बॉडी पे भी लगा सकते हो, या बॉडी पे आप नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ पे जो ये इंडिकेटर के ग्रीन वाला वायर है, यहाँ पे ये देखो, ये इंडिकेटर की वायर है, ये वाला दो है, एक में लगा सकते हो। ओके, तो इसे हम लगा देते हैं, ये वाला वायर को इस वायर में अटैच कर देते हैं। तो क्या है, सब कुछ इस तरह से जो है ये सब लगा सकते हो, तो नेगेटिव वाला वायर को यहाँ पे हमने लगा दिया। ओके, और ये जो येलो कलर की दो वायर है, इसकी रिले है, तो येलो कलर की दो वायर है यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो दो येलो कलर की वायर है इसे इंडिकेटर पे देना है आपको, तो ये वाला एक इंडिकेटर की वायर है। ओके, ये वाला प्लस है इसकी, ये वाला इसकी नेगेटिव है, ग्रीन वाला, और रेड वाला जो इसकी प्लस है, तो इसे खोलेंगे। तो येलो वाला जो एक वायर है, एक वायर को हम यहाँ पे लगा देते हैं। और इसे यहाँ पे लगा देते हैं, लग गया। और एक ये और एक है, और दूसरे इंडिकेटर की वायर पे लगा देते हैं। ये जो राइट साइड के इंडिकेटर है ना, इसे यहाँ पे लगाना है आपको। तो ये इंडिकेटर की वायर है दो, एक ये और एक है, ये वाला तो नेगेटिव है, ग्रीन वाला तो नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, तो इसे खोलेंगे। ओके, इसे खोलना है आपको, खोलने के बाद इसे भी लगा देते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो ये ब्लैक वाला नेगेटिव, और ये जो है लेफ्ट राइट के इंडिकेटर पर प्लस वाला जो वायर है उसके साथ अटैच कर दिया। और ये प्लस की वायर है, इसे हम क्या करेंगे, स्विच लगाएंगे। स्विच को मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये वाला ऑन ऑफ स्विच है, तो इसे हैंडल पे लगाएंगे। ओके, और यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू है, इसे टाइट कर देंगे। ये हो गया, तो ये दो वायर स्विच का है जो हैंडल पे लगाया है। तो एक में हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। ओके, तो ये जो गाड़ी है सुपर स्प्लेंडर गाड़ी है, तो इस गाड़ी में चाबी ऑन करने के बाद ये जो ब्लैक कलर का वायर है ना, सिर्फ ब्लैक, इसमें 12 वोल्ट आते हैं, ठीक है। तो इस ब्लैक वाले वायर के साथ ये वाला ब्लैक स्विच का जो ब्लैक वायर है इसे अटैच कर देंगे। ओके, तो ये वाला ब्लैक वायर है, इसे खोलेंगे, और ये वाला जो है इसे कुछ इस तरह से अंदर डाल के अटैच कर देंगे। यहाँ पे डाल दिया, और ये वाला जो वायर है ना, इससे क्या करेंगे, रिले की जो वायर है ना, ये वाला जो रिले की वायर है, ये स्विच के इस वायर पे हम जोड़ देंगे अच्छी तरह से। ओके, तो यहाँ पे जोड़ दिया, अब जो है चाबी को ऑन करेंगे और देखेंगे। तो चाबी को ऑन करते हैं, तो जिस तरह से इससे स्विच को ऑन ऑफ करेंगे ना, जितने बार उतने बार आपके जो पैटर्न है इंडिकेटर का वो चेंज होता रहेगा। ओके, तो देख सकते हो बहुत सारे पैटर्न है इसके अंदर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है हैलोजन बल्ब है, जिसके कारण इसकी जो ब्राइटनेस है थोड़ा सा कम है। अगर ये एलईडी बल्ब होता ना, तो इसका जो ब्राइटनेस है और इसकी जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा होता। ओके, तो इसे हम बाद में चेंज कर देंगे। ओके, इसे फिर से स्विच को ऑन ऑफ करके ऑन करेंगे, तो इसका पैटर्न जो है वो चेंज होता रहेगा। ओके, देख सकते हो, फिर से मैंने ऑफ किया, फिर से ऑन करता हूँ, ये देख सकते हो फिर से चेंज हो गया। फिर ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, तो ये देख सकते हैं, ये अलग पैटर्न है।
इस तरह से 10-12 पैटर्न है इसके अंदर। ओके, जितने बार आप करके ऑन करेंगे ना तो ये चेंज होता रहेगा। तो अब जो है इस रिले को अच्छी तरह से यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, पैक कर देते हैं अच्छी तरह से। ओके, और वाइजर वगैरह जो सारा कंप्लीट लगा देते हैं, तो आप भी चाहो तो आप लगा सकते हो। ओके, अभी जो अंधेरा नहीं है ना, इसीलिए जो इसके जो फोकस है, जो ब्राइटनेस है, वो थोड़ा सा कम दिखा रहा है, लेकिन रात के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। ओके, मैंने ट्राई करके देखा अभी। ओके,